हाल ही में दिल्ली में पहली बस महिला ड्राइवर बनी वी सनीता ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी सिटी बस की शुरुआत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए इस तरह की पहल की गई थी। अगर यह पहल सफल हो जाती तो इंदौर वह पहला शहर होता जहाँ बस की स्टीयरिंग एक महिला के हाथ में होती। बस में महिला यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए महिला बस कंडक्टर और ड्राइवर पद के लिए विज्ञापन दिया गया था, लेकिन इसके लिए मात्र एक आवेदन आया। जब उस महिला से बातचीत की गई तो उसने भी मना कर दिया। BRTS की PRO माला सिंह ठाकुर का कहना है कि उन्होंने विज्ञप्ति दी थी, उसमें महिला ड्राइवर्स जो हैं उनके लिए भी विज्ञप्ति थी, उनकी सुरक्षा जो है उसका ध्यान रखा जाएगा, व्यवस्थित उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसी सब बातें उस विज्ञप्ति में थी। उसके माध्यम से हमको केवल एक ही रिज्यूम मिला था और जब अप्रोच किया तो जो है वो रिज्यूम, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने जो है इस चीज के लिए मना कर दिया और बाद में फिर हमने वापस कम्युनिकेट किया तो वो नंबर पे फिर कभी बातें नहीं हो पाई। उसके ठीक बाद आप लोगों को ध्यान में होगा कि केरला में नैनो करके पिंक कलर का जो टैक्सी वो स्टार्ट हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने कोशिश की थी कि महिला ड्राइवर्स हों। और अभी लगभग 8-1 महीने पहले जब मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश जो है निकाला था कि जितनी भी महिला अधिकारी हैं प्रशासनिक, उनकी जितनी भी वाहन चालक हैं वो सभी महिलाएं होंगी, और जब ये आदेश आया था तब भी हम लोगों ने कोशिश की थी कि जो है हमारे पास महिला ड्राइवर हों, लेकिन तीनों ही बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि हमको महिला ड्राइवर्स नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी ये चीज है कि हमारे यहाँ जो ट्रैफिक वार्डन है वो महिलाएं हैं और बहुत अच्छे से ट्रैफिक को हैंडल करती हैं। इसके अलावा हमारे कॉरिडोर पे जो टिकट चेकर्स हैं, जो स्टॉप पे रहते हैं, वो कुछ महिलाएं हैं जो बहुत अच्छे से अपना काम करती हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के अपनी तरफ से हम लोग जो कर सकते हैं, ऐसा कौन सा काम है जब हम उनको दे सकते हैं, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। जहां तक मैं समझ पाती हूँ कि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं अभी, वहां इस प्रकार से जागृति नहीं आई है, उस तरीके की महिलाएं निकलकर बाहर नहीं आई हैं। अलग से अगर कोई महिलाओं का ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट बनाया जाए तो शायद ऐसा हो सकता है कि वुमन व्हीकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर बने तो निकट भविष्य में जो है अच्छी महिला ड्राइवर हमको मिल सकती है। हमने बस में सफर कर रही महिला यात्रियों से जानने की कोशिश की कि महिला ड्राइवर और कंडक्टर नहीं होने पर उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया, अगर लेडीज के लिए कुछ अलग से हो लेडी कंडक्टर सो दैट वुड बी ग्रेट, बट ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भीड़ होती है बहुत ज़्यादा बस में और वो उसको तो सबका ही, मेल कंडक्टर को तो सबका ही टिकट चेक करना पड़ता है, वो सब महिलाओं के बीच में से निकल के जाता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। बस ड्राइवर और कंडक्टर ना सही, लेकिन बस स्टॉप पर टिकट चेकर और रूट पर ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में महिलाएं आपको अवश्य नजर आ जाएंगी। हमने इन महिलाओं से कार्य के दौरान आने वाली परेशानियों को जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया, फिर भैया लोग रहते ही हैं और गार्ड साहब भी रहते हैं तो हमें बहुत रहता है और ऐसा कोई अलग से नहीं लगता हमको कि हम जेंट्सों में काम कर रहे हैं तो अलग से कुछ लगे, जैसे भैया हम करते हैं इसी तरह से हम लोग भी करते हैं और अलग से कोई वो नहीं रहता कि कोई दिक्कत आती हमको, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ भी डर नहीं लगता ऐसे तो सब अच्छा लगता है। तो आज शुरू से कर रही हूँ मैं तो, जब से BITS चालू हुआ जब से कर रही हूँ, नहीं कुछ परेशानी नहीं है। मैं तो शुरू में एक बार आई थी, शुरू लगा था थोड़ा हल्का एक दो दिन, फिर अच्छा लगने लगा, ठीक है अब तो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। 2 साल हो गए मुझे जब से बस चली, जब से कर रही हूँ, काफ़ी मतलब नॉलेज हो चुका है अब।